ड्रैगन बॉल जी में पहली बार जब वेजिटा की एंट्री हुई थी तब वेजिटा के लिए उसका प्राइड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। शुरुआत में वेजिटा कैकरोट को केवल एक लो क्लास वॉरियर के रूप में देखता था। उसकी नज़रों में सेंस का जो मोस्ट पावरफुल वॉरियर था वो एक्चुअली में वेजिटा था। बट जब उसकी फाइट गोकू से हुई तो इस बैटल के अंदर गोकू एंड उसके फ्रेंड्स ने मिलकर वेजिटा को जैसे तैसे करके डिफीट कर दिया था। ये वेजिटा की लाइफ में पहली बार था जब वो किसी लो क्लास वॉरियर के हाथों डिफीट हुआ था एंड इसी टाइम वेजिटा के प्राइड को भी पहली बार चोट पहुंची थी। इसके बाद तो ड्रैगन बॉल की सीरीज में कंटिन्यूसली एक के बाद एक ऐसे कई मोमेंट्स आते रहते हैं जहां पर वेजिटा के प्राइड को कंटिन्यूसली चोट लगती रहती है। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जहाँ पर वेजिटा अपने प्राइड को रिगेन करते हुए पावर के मामले में अपनी लाइफ के लॉन्गेस्ट राइवल यानी गोकू के इक्वल जा पहुँचता है। इस स्टोरी का नाम वेजिटा स्प्राइड है जिसको चीवी डैम्स नाम के बंदे ने क्रिएट किया है। सो डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट द क्रिएटर, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह होती है जहां पर वेजिटा एक माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर सोच रहा था कि मुझे अर्थ पर आए वाकई में काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये प्लैनेट एक्चुअली में मुझे इतना चेंज कर देगा। मैं वेजिटा था, सैयन प्रिंस वेजिटा। मैं अपनी सैयन रेस का आखिरी मोस्ट पावरफुल वॉरियर था जो कि इस यूनिवर्स के अंदर भी मोस्ट पावरफुल था। मैं किंग वेजिटा का बेटा था जिसके नाम पर हमारे प्लैनेट वेजिटा का नाम रखा गया था। मैं उस टाइम मोस्ट पावरफुल एंड प्राइडफुल वॉरियर था जिसे डराने की हिम्मत एक्चुअली में पूरी यूनिवर्स के अंदर किसी की नहीं थी। मैं सेंस का प्रिंस था पर फिर भी मैं उस पर्सन के अंडर वर्क करता था जिसने हमारी सेयन रेस को एक्चुअली में वाइप आउट किया था। पर आज मैं उस पॉइंट पर आ गया हूँ जहाँ पर फ्रीजा केवल एक मेमोरी बनकर रह गया है। फ्रीजा को डिफीट करने वाला आखिरकार एक सुपर सेयन ही था। कैकरोट, तुम्हें मुझसे पहले सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए था। मैं सेयंस का प्रिंस था तो सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होने का पहला अधिकार एक्चुअली में मेरा था। इसके बाद एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर एक्चुअली में मैंने तुम्हें भी सरपास कर दिया था। एंड्रॉइड्स वाकई में मेरे लिए काफ़ी अच्छा चैलेंज थे पर फिर भी मैं उस सेल के आगे डिफीट हो गया। मैंने अपने आप को पागलों की तरह ट्रेन किया पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका। और दुख की बात तो यह है कि सेल को डिफीट करने वाला एक्चुअली में तुम्हारा ही लड़का गोहन था। इसके बाद जब मैंने बू के अगेंस्ट अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया तब भी एक्चुअली में मैं फेल हो गया था। देन इसके कई सालों के बाद जब हम टूर्नामेंट के अंदर अपना एक एपिक बैटल कर सकते थे तब भी तुम मुझे छोड़कर उस ऊप को ट्रेन करने चले गए थे। इन सब बातों को सोचते हुए वेजिटा यहाँ पर ज़बरदस्त पावर अप करना शुरू करता है। इस टाइम वेजिटा अर्थ पर ही था और सभी जी वॉरियर्स वेजिटा की पावर को फील कर पा रहे थे। इधर इस आइलैंड पर गोकू ऊप को ट्रेन कर रहा था। यहाँ पर ऊप कहता है कि उसने अभी अभी पावर का बहुत ही हाई प्रेशर फील किया है। यहाँ गोकू को फील हो गया था कि इस पावर की वजह से सारी की सारी अर्थ कांप रही है। देन गोकू जल्दी समझ जाता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पावर वेजिटा की है। इधर गोकू कहता है कि वेजिटा ने अपनी सुपर सेयन 2 की सारी लिमिट्स को सरपास कर दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमसे मिलने जल्द ही आएगा। इधर वेजिटा सुपर सेयन के लेवल 2 को सरपास करते हुए एक्चुअली में सुपर सेयन के लेवल 3 पर आ पहुंचा था और इस टाइम वेजिटा की पावर वाकई में बहुत ही ज़्यादा हाई थी। इस टाइम वेजिटा को वही सुपर वेजिटा वाली फीलिंग आ रही थी जो कि उसे आज से कई साल पहले सेल के अगेंस्ट आई थी। इस टाइम वेजिटा 52 साल का था यानी ये बू सागा के काफ़ी बाद का टाइम था। देन वेजिटा अपनी इस न्यू पावर को टेस्ट करने गोकू की तरफ निकल जाता है। वेजिटा की स्पीड वाकई में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हाई थी, इतनी ज़्यादा कि वेजिटा को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। वेजिटा अपनी सुपर स्पीड से पहले तो अर्थ के कई चक्कर लगाता है, देन वो अपनी टॉप स्पीड के साथ गोकू की तरफ निकल जाता है। गोकू ने वेजिटा से उस टाइम फाइट का प्रॉमिस किया था जब गोकू ऊप को ट्रेन करने गया था। तो वेजिटा गोकू को पहले तो उस प्रॉमिस को याद दिलाता है और बताता है कि मेरा अब तुम्हें मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक्चुअली में बस एक फेयर फाइट चाहिए। इधर गोकू भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और ऊप से कहता है कि तुम्हें इस बैटल को ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि ये बैटल वाकई में बहुत ही लीजेंडरी होगा। इस टाइम वेजिटा अपने सुपर सेयन के लेवल 3 के साथ गोकू के आगे खड़ा था। तो यहाँ पर गोकू भी पावर अप करते हुए सुपर सेयन के लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सेयन प्रिंस वेजिटा एंड गोकू का एपिक बैटल स्टार्ट हो जाता है। इस पॉइंट पर आकर अपनी आज की स्टोरी एंड हो जाती है
और यार इसका अभी तक कोई नेक्स्ट चैप्टर भी नहीं आया है। अगर आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।